हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैमरा रॉ फिल्टर को किस तरह से यूज किया जाता है। तो समझो, अभी यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इमेज को अगर मुझे किसी एल्बम पेज में, वेडिंग के किसी एल्बम पेज में अगर मुझे सजाना है, तो बहुत सारी ऐसे मुझे सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, कलर करेक्शन के साथ मुझे खेलना पड़ेगा। लेकिन एडोबी फोटोशॉप ने कैमरा जो फिल्टर है हमारा, कैमरा रॉ फिल्टर, इसने बहुत से काम हमें आसान करके दे दिए है। यहाँ पे जैसे हम कैमरा रॉ फिल्टर को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे ये फोटोशॉप 2021 का नया वर्जन है, कैमरा रॉ का 13.3 वर्जन। तो इसमें अभी क्या हो गया कि यहाँ पे जो मेनू बार है राइट साइड में, वो पहले फोटोशॉप में यहाँ पे टॉप में थे। तो यहाँ पे आप देख सकते कि यहाँ पे प्रीसेट करके एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इस फोटो को मैनुअली करेक्शन करेंगे तो आपका टाइम भी बहुत जाएगा, और अगर बहुत सारे फोटोज़ आपके पास है तो, अगर आपके पास टाइम है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे कुछ ही सेकंड में आप फोटो का कलर करेक्शन या फिर जो भी आपको मन चाहे इफेक्ट आप यहाँ पे पा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कर्सर लेके गया, यहाँ पे है प्रीसेट। प्रीसेट पे जैसे ही जाऊँगा, यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर के कुछ बने बनाए प्रीसेट या फिर इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट फिल्टर है, हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि पोर्ट्रेट डीप स्किन, अगर मैं इस ट्रायंगल को एक्सपांड करूँगा तो यहाँ पे डीप येल्लो, ऑरेंज, रेड, येल्लो, या पे फिर D02 ऑरेंज, इस तरह के अलग अलग आपको कलर के वेरिएशन, कलर के इफेक्ट आपको बने बनाए मिल जाएंगे। यहाँ पे पोर्ट्रेट को ऑफ कर दूंगा। पोर्ट्रेट में मीडियम स्किन, स्किन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रीसेट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपको जो भी पसंद आता है, आपको सिंपली वहाँ पे, यहाँ पे स्टाइल में सिनेमैटिक, इस तरह के अगर आपको फोटोज यहाँ पे एल्बम में आप लगाते, तो इस इफेक्ट को अगर आपको मैनुअली करेंगे तो आपको आधा एक पौन घंटा तो आराम से जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे आप सिंगल क्लिक में आपका पूरा कलर करेक्शन यहाँ पे हो जाता है, और उस फोटो को आप अपने वेडिंग के एल्बम में सजा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ कलर के, नेचुरल, ब्राइट, हाई कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे विविड कलर को ज़्यादा बढ़ाता है, यहाँ पे मैट फिनिश, इस तरह के भी आपने इफेक्ट देखे रहेंगे। यहाँ पे आप जूम कर सकते हैं, पे 33%, यहाँ पे हैंड टूल्स, तो इस तरह का मैट इफेक्ट भी आपने देखा हुआ। अगर आपको मैनुअली करना पड़ेगा तो बहुत सा टाइम आपका वेस्ट जाएगा। यहाँ पे एक सिंगल क्लिक में आप इसी पेट को ले सकते हैं। यहाँ पे कर्व से रिलेटेड कुछ है, क्रॉस प्रोसेस, फ्लैट, इस तरह के बहुत से प्रीसेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। शार्पनिंग में नन, लाइट शार्पनिंग, मीडियम, हैवी, ठीक है। तो इस तरह के आपको बाय डिफॉल्ट प्रीसेट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट में एडोबी डिफॉल्ट कर देता हूँ। लेकिन अगर क्या हो गया, अगर आपके पास बहुत सारे, ढेर सारे, हजारों आपके पास अगर कैमरा रॉ के फिल्टर है या फिर प्रीसेट है, तो आपको इस प्रीसेट पैनल में आप कैसे ला सकते हैं। जैसे कि ये तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, लेकिन आपके पास जो भी फोल्डर है या फिर जो भी प्रीसेट की फाइल्स है, अगर आपको यहाँ पे लोड करनी है तो आप किस तरह से लोड कर सकते हैं। या तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे आप जाओ मोर इमेज सेटिंग, इसमें आप लोड सेटिंग कर दो। लोड सेटिंग में आपका जो भी फाइल है, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे कैमरा रॉ का फिल्टर या फिर यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे बहुत सारे, तो समझो अभी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, तो इस तरह से ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। लेकिन अगर मुझे इसी कैमरा रॉ फिल्टर में अगर मुझे पूरा फोल्डर चाहिए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, एक एक करेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा खर्चा होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अभी इस फोटोशॉप को हम बंद कर देंगे, कैंसल, यस,
यहाँ से हम कैंसिल करेंगे। अभी सिंपल स्टेप से आपके पास कितने भी प्रीसेट रहने दो, 10, 12 हज़ार, सिंपली जैसे कि अभी ये फाइल का एक्सटेंशन है XMP फाइल, ये फाइल आपके पास रहेंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्यू इसका चेंज कर देता हूँ। ये देखो, अगर आपके पास ये कैमरा रॉ के फिल्टर की जो फाइल्स है XMP, इस तरह के अगर एक्सटेंशन वाले अगर फाइल्स आपके पास रहेंगी, तो सिंपली आपको क्या करना है, इन सारी फाइल को कॉपी करना है और जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट एडोबी के रहते हैं वहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना है। लेकिन वो लोकेशन कौन सा है, तो उस लोकेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक रीड फाइल दी है। इस रीड फाइल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी में यूज़र, मतलब आपके कंप्यूटर का जो भी नाम है, जो भी पीसी का आपने नाम दिया है, और यूज़र नेम, यूज़र नेम के आगे ये जो सेटिंग है, ऐप डाटा, रोमिंग, रोमिंग में एडोबी, एडोबी में कैमरा रॉ सेटिंग, यहाँ तक जाने के बाद आपको आपने जितनी भी फाइल्स कॉपी किए यहाँ पे आके आपको पेस्ट करनी है। अगर आप मैक यूज़र है, मैक यूज़र के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके पीसी का नाम है, मैक का नाम है, तो यूज़र नेम जो भी आपका मैक का नाम रहेगा, आपने दिया रहेगा, तो उसमें लाइब्रेरी एप्लीकेशन सपोर्ट, उसमें एडोबी कैमरा रॉ सेटिंग, और वहाँ पे आपको जाके ये सारी फाइल्स को पेस्ट कर देना है। तो सिंपली मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे माय कंप्यूटर में गया, यहाँ पे मेरे पास सी ड्राइव है, ठीक है। सी ड्राइव में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र करके एक फोल्डर रहेगा। इस फोल्डर के आप अंदर जाएंगे तो आपने आपका कंप्यूटर का जो भी नाम है, जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम है यहाँ पे देवा, तो इस फोल्डर में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेटस बार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमको आसानी से हम यहाँ पे आ गए। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फाइल में यूज़र नेम के आगे ये जो सिंबल है, इससे यहाँ तक आपको कॉपी करना है, या फिर आप मैनुअली भी जा सकते हैं, ऐप डाटा, रोमिंग, एडोबी कैमरा रॉ सेटिंग। तो ऐप डाटा का फोल्डर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो उसको आपको कंट्रोल जो रन का कमांड है उस पर आपको ऐप डाटा लिख के आपको आगे जाना होगा, लेकिन वो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यूज़र नेम के आगे जो भी पोर्शन आएगा, यूज़र नेम के आगे ये सिंबल यहाँ से लेके यहाँ तक हम यहाँ से कॉपी करेंगे, सिंपली हमारे स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। तो देखो ये इस तरह से आप एक बार देख लो, अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार देख लो, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, गो करेंगे, गो टू दिस लोकेशन। जैसे हम इस लोकेशन पे पहुँच गए तो हम क्या करेंगे, फिलहाल इसे ड्रॉप डाउन करेंगे मिनिमाइज, और हमारी जो भी फिल्टर की फाइल्स है कैमरा रॉ की, इन सभी XMP फाइल को एक ही बार में सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, कॉपी ये क्लोज, और वो मिनिमाइज किया हुआ सेटिंग वाला फोल्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी यूज़र जो भी नाम रहेगा आपके पीसी का, यहाँ पे ऐप डाटा रोमिंग सेम जैसे मैंने टेक्स्ट फाइल में बताया। तो सिंपली यहाँ पे आके आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, या दूसरी बात इस पूरे फोल्डर को आप कॉपी करो, ठीक है। यहाँ पे पूरा फोल्डर हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके सेटिंग में जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये सारी फाइल पेस्ट हो गई। आपके पास अगर कितने भी प्रीसेट रहने दो कैमरा रॉ फिल्टर के, आप इसी मेथड से इसको पेस्ट करो, ठीक है। इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इन सबको क्लोज करेंगे और हमारा फोटोशॉप यहाँ से हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया। हम वही इमेज वापस से ओपन करेंगे। आपके पास कोई भी इमेज, आपको जिस इमेज पे काम करना है वो इमेज आप ले लो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वो इमेज को ओपन करेंगे। यहाँ पे तीन इमेज है मेरे पास, ये तीनों इमेज को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हम इस इमेज को अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे फिल्टर मेनू बार में, फिल्टर में, और यहाँ से आप देख सकते हैं कैमरा रॉ फिल्टर। अगर आपको इसका शॉर्टकट याद रखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शिफ्ट कंट्रोल ए। आप जैसे कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल ए दबाएंगे तो आपका कैमरा रॉ फिल्टर यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से कैमरा रॉ फिल्टर यहाँ पे ओपन हो गया है। और यहाँ पे हम देखेंगे प्रीसेट में, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट पी, यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा फोल्डर यहाँ पे लोड हो गया है। यस, ये देखो यूज़र प्रीसेट करके एक फोल्डर है, इस टैब के अंदर हमारे सारे प्रीसेट यहाँ पे लोड हो गए। तो जैसे हम इसको एक एक क्लिक करेंगे तो हमारे पीसी में जो भी सेव थे, या फिर हमने किसी से कॉपी कर लिए, या फिर हमने डाउनलोड कर लिए, जो जो भी रहेगा आपके पास, उस फाइल को आप यहाँ से लोड करके एक एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको जो भी मनचाहा रिजल्ट आपको अच्छा लगेगा उसे आप फाइनल कर दो। बहुत सारे, ढेर सारे, अगर आपको ये प्रीसेट चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे प्रीसेट आपको मिल जाएंगे, और इसका रीडमी फाइल भी मैं आपको दे दूंगा। और ये वीडियो देख के आप ये पूरी मेथड आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप प्रीसेट आपके फोटोशॉप में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ पे हम ओके करेंगे। इस तरह से इसको हमने ये इफेक्ट दे दिया। अभी हम दूसरा इमेज देखते हैं। ये इमेज में सिंपली शॉर्टकट से हम ओपन करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर, यहाँ पे सेम, यहाँ पे ऊपर सेम, यहाँ पे यूज़र जो भी आपको पसंद आता है। आपको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं, नया फोटोशॉप है ये, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रीव्यू दिखा देगा। ओके करेंगे, ये भी इफेक्ट हमने देख लिया। इस पे भी, ये फोटो पे भी हम इफेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आप देखेंगे ना, एक एक करके सब है यहाँ पे, ब्लैक एंड व्हाइट, निगेटिव, नाइट, बहुत सारे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में, शार्प, स्टैंडर्ड, सभी, हर तरह के। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको नेट से ढेर सारे प्रीसेट कैमरा रॉ फिल्टर मिल जाएंगे। यहाँ पे डार्क, मैट, ब्राइट, मॉडर्न, इस तरह से आप सभी प्रीसेट का आप यूज़ करके फोटोशॉप में एक अच्छे तरह से आप इमेज को अलग नया लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप, आपके पास जितने भी कैमरा रॉ फिल्टर के जो भी प्रीसेट से, या फिर जो भी फाइल से, XMP करके जो एक्सटेंशन वाली फाइल, तो इस तरह से आपके पास कितने भी फिल्टर रहने दो कैमरा रॉ के, आपको सिंपल उस फोल्डर को कॉपी करना है, और जैसे मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके से आप उस फोल्डर को सेटिंग के फोल्डर में जाके आपको पेस्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार ज़रूर देखना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं माय फोटोग्राफी चैनल में आपको बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमारा होम पेज है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको 50 और 60 से भी ज़्यादा वीडियो हमने यहाँ पे हमारे चैनल पे यहाँ पे डाल दिए। एक नई सीरीज़ हमने अभी चालू की है, फोटोशॉप बिगिनर, और फोटोग्राफी से रिलेटेड भी कुछ अच्छे अच्छे वीडियो है यहाँ पे। फोटोशॉप है, वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ बहुत से वीडियो है। आप एक बार इस चैनल को विजिट करो। यहाँ पे हमने हमारे सभी वीडियो के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, जैसे कि फोटोशॉप प्लगइन का अभी तो एक ही वीडियो और थोड़े आने वाले हैं, फोटोशॉप की एक बिगिनर सीरीज है, फिल्मोरा रिव्यू, डेमो, हर एक तरह के हमने वीडियो यहाँ पे रखे। अगर आपको इन सब का कंटेंट, अगर वीडियो देख के आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो।
आज से हम हमारे जो भी सब्सक्राइबर है जितने भी, उन सभी का हम धन्यवाद देते हैं, और उन सभी सभी के लिए और जो भी नए आने वाले सब्सक्राइबर है उनके लिए हम टेलीग्राम का एक सपोर्ट ग्रुप हमने तैयार किया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहेगी फोटोशॉप से रिलेटेड, या फिर फोटोग्राफी से रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसका टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के नीचे हमने दे दिया है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करो। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके क्वेरी है, उस टेलीग्राम में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते यही बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।